जी ये लो बेटा। अरे आप तो खाइए ना, मेरी बेटी श्वेता ने बनाया है। कुकिंग का बहुत शौक है। अरे इसे तो सब कुछ बनाना आता है। हमारा बेटा भी लाखों में एक है। अपने पापा के बिजनेस को भी इसी ने आगे बढ़ाया है और लास्ट ईयर तो इसे बेस्ट यंगेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला है। और हर रोज 100 से भी ज्यादा इसके लिए रिश्ते आते हैं बड़े बड़े घरानों से। हमारी श्वेता भी तो कितनी इंटेलिजेंट है। अरे कल ही की बात है, दिल्ली के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के वहां से इसका रिश्ता आया था। हमने सोचा था हमारे बेटे राजू की शादी बड़े बिजनेस फैमिली में करेंगे, पर बच्चों के आगे मतलब कौन बोल सकते हैं। वो तो है, अगर राजीव को श्वेता पसंद है तो हमें भी श्वेता पसंद है। सही कहा आपने। ये लीजिए बहन जी, पास्ता लीजिए। हाँ। अंकल को मिठाई खिलाओ या नहीं समझ में नहीं आ रहा यार, उनसे तो बात करने में डर लगता है। वैसे भी रेंट टाइम पे कहाँ देता हूँ, तो मिठाई से ही ट्राई करता हूँ। वैसे भी एमबीए के थर्ड सेमेस्टर मैंने टॉप किया। आप लोग तो कुछ भी नहीं ले रहे। अरे ये जलेबी लीजिए। लीजिए ना बहन जी। अरे आनंद बेटा तुम? आनंद आओ बेटा आओ। ये आनंद है, हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट है, एमबीए कर रहा है, बहुत ही अच्छा लड़का है। आनंद ये हैं मिस्टर और मिसेज खंडेलवाल और ये है राजीव। हाय राजीव। अंकल अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं और श्वेता अकेले में एक दूसरे से बात कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे शादी तो तुम दोनों को ही करनी है, आप बड़े लोग के बीच में बैठ के कैसे बातें करोगे। श्वेता बेटा जाओ राजीव को अपना कमरा दिखा दो, जाओ। अच्छा अंकल लो आप, मुझे कुछ खाना है, मैं चलता हूँ। ओके बेटा। वाह नाइस रूम। यू नो व्हाट, पहली बार मैंने तुम्हें कपूर की शादी में देखा था एंड सच मानो एक मिनट भी नजर नहीं हटा पाया तुमसे, और तभी जाकर मम्मी को बोल दिया कि मम्मी शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। यू लुक ब्यूटीफुल और तुम्हारी स्माइल है ना, जब तुम शर्माती हो ना और भी खूबसूरत लगती हो। थैंक यू। फाइनली कुछ तुम बोली तो सही। श्वेता देखो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। क्या तुम मुझे कुछ पूछना चाहोगी? मैं जब से आऊं मैं ही बोलने जा रहा हूं, तुम भी तो कुछ बोलो। कुछ भी। चलो यही बता दो कि तुम मुझे कितना लाइक करती हो। क्या तो रिश्ता पक्का? प्लीज आनंद, मैं कई बार सुन चुकी हूँ टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हमेशा थोड़ी ना चलेगा ऐसे। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि हमेशा तक चलेगा, मैं कह रहा हूँ कि आखिरी समय से प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा ना। बट कितनी बार हमेशा मैं ही क्यों अंडरस्टैंड करूँ, मैं ही सारे सैक्रिफाइसेस करूँ इस रिलेशनशिप में, व्हाई नॉट यू। इट्स हाई टाइम और मैं इंतजार नहीं कर सकती। और तुम ऐसे बिहेव करो। नहीं ये आप क्या कह रहे हैं। अच्छा अब ये बताइए आपने खाना खाया?
नहीं। एक तरफ इतना प्यार और दूसरी तरफ सिर्फ तकरार। कहा ना आपको कि मैं आपका नाम नहीं ले सकती। कितना स्वीटली बात करती अपने होने वाले पति से। और यहाँ पे नैना, किस्मत वाले होते लोग। आनंद तुम समझो, आई कैन नॉट डील विद हनी सिंह। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। यू बिजी यार 24/7। फिर वही बात है ना, मैंने बताया था ना, ये एग्जाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन मेरे करियर डिपेंड करता है इस पे यार। सॉरी बट आई कैन नॉट डील विद ऑल दीस थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। या ऑफ कोर्स आई डू। तुम भूल गई जब फैशन डिजाइनिंग का जब तुमने अप्लाई किया था। आई मीन एक महीने हम नहीं मिलते थे, लेकिन मैंने कभी कंप्लेन की नहीं ना। आई वाज सो सपोर्टिव। हाँ याद है, बट दैट वाज योर चॉइस। तुम वही चीज मुझसे एक्सपेक्ट मत करो। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसके पास मेरे लिए टाइम ही ना हो। तो इतनी छोटी सी बात के लिए ब्रेकअप कर ले। छोटी सी बात तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। ना ना, but we like each other, and that is the most important thing. Sorry Anand, but मैं अभी और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। I cannot be with you anymore. I'm really sorry. But we like each other, and that is the most important thing. उससे बढ़कर क्या हो सकता है? I mean, we can work it out, right? क्या तरीका है ये? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। समझते क्या अपने आपको? अरे 36 में से एक गुण नहीं मिला तो रिश्ता तोड़ दिया। अंधविश्वासी कहीं के, ये सारे बिजनेसमैन टाइप लोग ऐसे ही होते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए राजीव से भी बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा। अरे पापा है ना बेटा तेरे पास। बातचीत में तो अच्छा लग रहा था राजीव, पर वो ऐसा निकला। फोन करके कह दिया कि उसे शादी नहीं करनी है। अब जो लड़का शादी से पहले तेरा साथ नहीं दे पाया, वो शादी के बाद क्या रिश्ता निभाएगा? नहीं उठा रहे ना फोन, कीड़े पड़ेंगे उस पर। डरा क्यों रही हो यार? मैं तो बस
और होने वाली तो बता दो, टिश्यू एक और डब्बा रखा हुआ है, ले आता हूं। वैसे तुम्हारा कूदने कूदने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं, अगर इरादा है तो बता दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, काफी एक्सपीरियंस है मुझे। काले खूनी का नाम सुना है? काला खूनी, मैं ही हूं काला खूनी, जो लोगों को छत से धक्का देता है। मैंने आज तक जिसको भी धक्का दिया वो फिनिश। एक माला, दो माला, तीन माला, चाहे कितने भी माले हों, और अगला नंबर तुम्हारा। क्या कर रही हो? मैं मजाक कर रहा हूँ यार। चिल्ला रही हो, तुम्हारे पापा उठ जाएंगे तो आगे पीटने लगेंगे, पिटवाओगी क्या? पता था तुम मजाक कर रहे हो, मैं इतनी भी डम नहीं हूँ, पर तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी। चलो इसी बहाने कम से कम तुम हंसी तो। वैसे गम के इतने बादल क्यों छाए हुए, मतलब इतनी सैड क्यों? वो राजीव है ना, राजीव, उसकी फैमिली ने, नहीं एक्चुअली उसने शादी तोड़ दी। पर क्यों? हमारे 35 गुण मिल रहे थे इसलिए। सीरियसली यार, लेकिन दिखने में राजीव तो बड़ा मॉडर्न जैसा लग रहा था, मतलब ऐसी उसकी मम्मा ने, उसकी मम्मा ने शादी तोड़ दी। चलो अच्छा ही हुआ, जो इंसान तुम्हारी इतनी छोटी सी बात पे साथ नहीं निभा सकता, जिंदगी भर क्या साथ निभाता। अच्छा ही हुआ। वैसे भी मुझे लग रहा है क्यों ब्रेकअप का सीजन ही चल रहा है। मतलब? वो आज मेरा भी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? ना ना, मेरी गर्लफ्रेंड, उसको लगता है कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूं, टाइम इश्यूज। मैंने समझाया उसे कि अभी एमबीए का फाइनल ईयर है, सेमेस्टर है, काफी प्रेशर है पढ़ाई का मुझ पे, पर वो इंतजार नहीं कर सकती। चलो तुम्हारे साथ भी अच्छा हुआ, जो लड़की इतनी सी बात पे तुम्हारा साथ नहीं दे पाई वो जिंदगी भर क्या तुम्हारा साथ दे पाएगी। So it's all right. अच्छा बेटा, मेरे लिए मुझे ही चिप दिया, सही है। एक्चुअली ये मेरे डैड का डायलॉग है। वेल एक्चुअली मैंने भी एलेन वहीं से चुराई है। अरे श्वेता बेटा, कहाँ हो तुम? पापा मैं चलती हूँ, वैसे थैंक यू मेरे मूड को चेयर अप करने के लिए। माय प्लेजर। सुनो मेरे पास और भी जोक्स हैं, अगर मूड और भी बेटर करना है तो अपना नंबर दे दो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं देना तो कोई बात नहीं, कराओ मैं। नहीं नहीं, ले लो। नाइन एट नाइन टू। श्वेता बेटा। हाय पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। श्वेता और आनंद दोनों का दिल टूटा था, और वो कहते हैं ना, जब आपका दिल टूटा हुआ होता है तो आपको किसी सहारे या किसी लाइफ सपोर्ट की जरूरत होती है। जी हाँ, अब यही सहारा उन्हें एक दूसरे में मिला। आज तक एक ही घर में रहते हुए उन्होंने एक दूसरे से बात तक नहीं की, लेकिन आज जो भी हुआ ये उनकी दोस्ती की शुरुआत है।
भेजूं। आनंद। घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी? बोला कि फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। नहीं, वो एक्चुअली अंकल से मुझे बहुत डर लगता है। मेरे पापा से? नहीं नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ा कम बात करते हैं ना, इसलिए तुम्हें लगा होगा। मेरे बारे में थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव है। ऐसा भी हो सकता है, मेरी वैसे भी बहुत कम बात हुई है, इसलिए मैं नहीं जानता। वैसे कहाँ है तुम्हारी वर्ल्ड क्लास कॉफी? बेटा, स्पेशल कोल्ड कॉफी दो कर देना बस। तो क्या है तुम्हारे प्लान्स लाइफ में, एनी ड्रीम्स एज एन? हाँ, वैसे एक प्लान है, ड्रीम इन फैक्ट, केक रेस्टोरेंट खोलूं। होपफुली हो जाए। होगा होगा, बिल्कुल होगा। वैसे तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? फिलहाल तो एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो एक अच्छी नौकरी, उसके बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, फॉरेन हॉलीडेज, एक बंगलो और हंसी खुशी ऐसी बस लाइफ में। नाइस, तुमने तो बहुत आगे की सोच रखी है, गुड। मैं वो रेंट देने आया था।
हाँ आओ अंदर आ जाओ। अंकल ये लीजिए, गिन लीजिए पूरे। ठीक है। अंकल बेसन के लड्डू मेरी माँ ने बनाए। अरे बड़ा अच्छा बनाती है, तो मैंने सोचा आपके लिए भी एक पूरा डब्बा हमारे लिए दे दिया। भाई वाह भाई, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कहना। आजकल ऐसा करता कौन है। जी बिल्कुल। बहुत टेस्टी है भाई। ये बहुत अच्छे हैं। श्वेता को भी बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अच्छा। अंकल वो बाकी सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया है, लड्डू अच्छे हैं। अच्छे। तो मैं चलता हूँ। अंकल वो अगले हफ्ते मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट है हमारा, आपका आशीर्वाद चाहिए था इसीलिए। आशीर्वाद जी। बेटा हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। बस अंकल अच्छी नौकरी मिल जाए। अंकल तो मैं चलता हूँ। हाँ ओके। अरे श्वेता बेटा। जी पापा। अरे देखो तुम्हारे लिए क्या आया है, आओ। पापा। बेटा ये देखो बेसन के लड्डू, तुम्हारे फेवरेट है ना। What? बहुत ही टेस्टी है। वो आनंद आया था, उसकी माँ ने भेजे हमारे लिए। आनंद की मम्मी ने? हाँ बहुत संस्कारी बेटा है, पता है पैर छुके गया है मेरे। प्यार करता है, पर राजीव भी तो मुझसे प्यार करता था, लेकिन क्या हुआ वो मुझे छोड़ के चला गया। आनंद भी ऐसा निकला था? नहीं नहीं आनंद ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन राजीव भी तो ऐसा नहीं था। पर आनंद का तो दिल टूटा है, उसे पता है कि कितना दर्द होता है और वो मुझे कभी नहीं दर्द पहुंचाएगा, लेकिन आनंद को जानती ही कितना हो। आप पता वो कैसा लड़का है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। आनंद ने श्वेता को अपनी फीलिंग्स बता तो दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं श्वेता थोड़ी डरी डरी सी थी। उसे लगता था कि सारे लड़के एक जैसे ही होते, अब जिस तरह राजीव ने उसे छोड़ा था उसे लग रहा था कि आनंद भी आगे जाकर उसे छोड़ देगा। बट आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आनंद वॉज अ जेन्युइन गाय और उसका प्यार भी सच्चा था। अब प्यार में कभी ना कभी तो तुम्हें लीप ऑफ फेथ यानी कि
ट्रस्ट का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। क्यों, आपको क्या लगता है? श्वेता, काजल सिर्फ मेरी दोस्त है, मेरी क्लासमेट है, वो नोट्स लेने आई थी बस, दैट्स ऑल। तुम क्या सोच रही हो? हाँ श्वेता, आनंद सही कह रहा है, मैं इसके नोट्स लेने आई थी यहाँ पे, और ये तो तुमसे बहुत प्यार करता है, जब से यहाँ आई है सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। ट्रस्ट मी श्वेता, तुमसे बहुत प्यार करता है। अच्छा आनंद, मैं चलती हूँ। बस इतना भरोसा करती हूँ तू मुझ पर, इतना ही भरोसा है मेरे प्यार पे, हाँ, कि बिना जाने बिना पहचाने तुमने मुझे गलत समझ लिया। अनन, मुझे लगा कि वो क्या लगा तुम? श्वेता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, और मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि मैं ऐसी बहक जाऊं। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ, एक एक पल बिताना चाहता हूँ। तुम्हारी एक झलक से ना मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती है, तुम मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं, तुम मेरी लाइफ हो। श्वेता, आई लव यू, आई लव यू, समझी? श्वेता, आनंद, तुमसे कुछ कहना है। बोलो। आई लव यू। आई लव यू मोर। पर कुछ मिसिंग। क्या? एक मिनट, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। पर आनंद। आंखें बंद। ओके। और जब तक मैं ना बोलूं तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगी। पाऊंगी यार, बहुत लेट हो जाएगा।
अरे पर सुन, अरे बेटा वो आनंद है ना, उसको बोल दो तुम्हें छोड़ देगा। आनंद? हाँ। पर आनंद क्यों बाबा, मुझे नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना बेटा, अच्छा लड़का है। अरे आनंद, अब बेटा जरा अंदर आना। पापा लेकिन मैं बोलता हूँ। जी अंकल। बेटा अगर तुम बिजी नहीं हो तो मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं अंकल, श्वेता को उसकी फ्रेंड के बर्थडे पर जाना है, तुम उसे छोड़ दोगे? मुझे थोड़ा काम है और हाँ रात को उसे लेके भी आना पड़ेगा वापस। अब क्यों नहीं अंकल, जैसा आप कहें। जाओ। ओके पापा, जैसा आप कहें। हाँ ठीक से जाना। हाँ बाय पापा। बाय। आपने श्वेता को आनंद के साथ क्यों जाने दिया पहले तो? अरे तुमने देखा नहीं श्वेता कितनी खुश दिख रही थी, उसके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना था उसको, अब मेरा मन नहीं हुआ उसे मना करने का। वैसे भी राजीव ने तो उसके चेहरे की खुशी छीन ली। एक बात कहूं सरला? कहिए। पता नहीं ये मेरे मन का वहम है या क्या है, जब भी आनंद इस घर में होता है ना हमारी बच्ची के चेहरे पर खुशी आ जाती है। ये तो आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। शायद अब एक ही तो बच्ची है हमारी, अब उसकी हर खुशी हमारी खुशी। थैंक यू आनंद, आज मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लग लिया। हम जा रहे हैं यार, तुम चलो। लेट हो रहे घर के लिए, हमारे पापा परेशान कर देंगे बस। मैंने मॉम डैड से तुम्हारे बारे में बात की, उनको मेरी मर्जी से बड़ी खुशी और वो तुमसे मिलने आ रहे। सच्ची? मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं कल ही अपने पेरेंट्स को बता दूंगी तुम्हारे बारे में और मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो चलो फिर रेडी हो जाओ, प्रिपेयर योरसेल्फ। भूल गई तुम्हारा सपना रेस्टोरेंट खोलने का? अरे काम जल्दी शुरू करना है। आनंद मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकती। दूर तो मैं भी नहीं रह सकता, इसलिए जल्दी मम्मी पापा को बताओ और मैं बुलाता हूँ अपने मम्मी पापा को, ठीक है? पापा वो आनंद है ना, मैं उसे प्यार करती हूँ। नहीं और कॉन्फिडेंस। पापा वो आनंद है ना, मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। ये बहुत ज्यादा हो गया। पापा आप मुझसे प्यार करते हैं ना, आप मेरी खुशी चाहते हैं ना, मेरी खुशी आनंद में है। पापा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये ठीक है। श्वेता बेटा आओ आओ आओ। मुझे
मुझे माफ कर दो श्वेता, गलती मेरी थी, पर मैं क्या करता, घर वालों का बहुत प्रेशर था मुझ पे और मम्मी ने मुझे बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया, इसीलिए मैंने शादी तोड़ दी। I'm sorry श्वेता, पर तुमसे दूर रह के मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। श्वेता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी बेटा। बेटा तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अंकल आंटी, मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूं। कल अपने माँ बाप को लेकर यहां आऊंगा शादी के शगुन के साथ, और फिर डेट भी फिक्स कर लेंगे, क्योंकि अब मैं और वेट नहीं करना चाहता। शायद थोड़ा शर्मा गई है। ठीक है आंटी अंकल, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। श्वेता, 5 मिनट से बस तुम रोए जा रही हो, बता भी नहीं रही हुआ क्या, किसी ने कुछ बोला है क्या, कुछ कहा है तो बताओ ना प्लीज। श्वेता तुम्हें मेरी कसम, ठीक है, अब एक और आंसू नहीं बहाना, जल्दी से आंसू पोछो, मुझे बताओ कि हुआ क्या। राजीव आया था। अच्छा, और अनु मुझसे शादी करना चाहता है, कह रहा था कि कल वो अपने पेरेंट्स के साथ आएगा, डेट फिक्स कर। तो बस मेरे पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बताने ही वाली थी, ये सब हो गया। अंकल आंटी ने क्या कहा? यहाँ कहे कि वो बहुत खुश थे, उन्हें क्या पता कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और राजीव से नहीं, उन्हें लगता है मैं अभी भी राजीव से प्यार करती। बस इतनी छोटी सी बात पे तुम रो रही हो ऐसे बच्चों की तरह। अरे तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है यार, मैं हूं ना, मैं अंकल और आंटी से बात करूंगा, मैं बताऊंगा उन्हें कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरे साथ शादी करके खुश रहोगी। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिख सकता, अभी राजीव जैसे 10 रिश्ते भी आ जाए ना तो भी शादी तुम्हारी मुझसे ही होने वाली है, तो तुम प्लीज परेशान मत हो, चिंता मत करो, ठीक है, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा अंकल आंटी से, ठीक है। आई होप मेरे पेरेंट्स भी समझ जाए। समझ जाएंगे, जस्ट ट्रस्ट मी। यू श्योर? वेरी श्योर। आनंद, आई लव यू अ लॉट एंड आई लव यू मोर, ठीक है, स्टॉप क्राइंग। तैयार नहीं हुए? लड़के वाले आते ही होंगे, अब फटाफट रेडी हो जाओ। अब फोन उन देखना छोड़, 10 मिनट।
मेरी बेटी श्वेता और श्वेता ये है लड़का। आनंद ने जितनी तारीफ की थी ना तुम्हारी उतनी कम है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। बहू नहीं बेटी बनोगे तुम हमारी। हमें लड़की पसंद है। हमें भी लड़का पसंद है। बस तो फिर ये रिश्ता पक्का? अरे पक्का भाई साहब, बिल्कुल पक्का। ये सब किया कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने नहीं, हमने। मैं कितना डर गई थी पता है? ऐसे कैसे जाने देता तुम्हें, प्यार किया है तुमसे।